तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चे, आज का लेक्चर है मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। हमें क्या पता है कि हमें अगर रेट एक्सप्रेशन दिया हो ना बच्चे, तो रेट एक्सप्रेशन को देखकर हम उसमें जो कंसेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स की होती हैं उस एक्सप्रेशन में, उनका जो पावर होता है उसको हम सम कर देते हैं। और पावर्स का सम अप करने के बाद हमें पता चलता है वो ऑर्डर है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन हम ऑर्डर बिना एक्सप्रेशन देखे क्या पता लगा सकते हैं? तो उसका आंसर यस है, हाँ पता लगा सकते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कहते हो, सर अगर हमें ये कह दे कि ये जो रिएक्शन गिवन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये गिवन कर दे, जैसे कि इसका हिस्सा नहीं आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन 2a plus b gives us products, ध्यान से देखना, कहे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो आपको अगर नहीं पता, मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता, वो कहते अरे बच्चे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। थोड़ा लिखने में और बोलने में बच्चे आज तकलीफ है मुझे, एक दो दिन और रह सकती है, तो थोड़ा आज एडजस्ट करना, ठीक है। फिर भी मैं अपना 100% दूंगा ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। कुछ बच्चों के डाउट्स भी पेंडिंग हैं, एक दो बच्चों के पुराने डाउट्स हैं, पीछे वाले डाउट्स अब वो पूछ रहे हैं, हालांकि कुछ बच्चों ने पहले भी पूछ रखे थे, तो उनका अभी मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप तक आपका सॉल्यूशन पहुँचाने की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट बच्चे। चलिए ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन है ये कहा हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो आप कहोगे सर अब बता सकता हूं, इसका ऑर्डर ना सर 3 है। मैंने कहा कैसे? तो तुम कहोगे सर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, तो रेट बराबर है के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। मैं कहूंगा तुम इतना श्योर कैसे हो कि ए की पावर 2 और बी की पावर 1 ही आएंगे? तुम कहोगे सर एलिमेंट्री रिएक्शन है, हमने डिस्कस किया था सर कि अगर पावर्स आपको लिखनी है वो कोफिशियंट्स के बराबर तभी होंगी जब एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन हो, नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट पे पूरे पूरे तरीके से भरोसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो भी आता है फिर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर आपको याद हो हम पी और क्यू ऐसे करके लिखा करते हैं, तो इस तरह से हम ऑर्डर बता सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री ना हो, कुछ और भी कंडीशन हो, तो कैसे पता लगता है? आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सब के बावजूद मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी बोलने में भी तकलीफ हो रही है, कुछ कोशिश मैं करूंगा कि आप तक 100% पहुंचे, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे ही ये वाला वीडियो भी आप तक वैसे ही पहुंचे। चलिए, तो हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट लॉ पता लगाना हो या ऑर्डर पता लगाना हो तो उसके कुछ मैथड्स होते हैं। चलिए बात करते हैं पहले मैथड की। द फर्स्ट मैथड इज ग्राफिकल मैथड। 99.9% तो आप ये मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ, लेकिन हमने कभी डायरेक्ट बात नहीं की। चलिए अब बात करते हैं। तो पहला मेथड है बच्चे ग्राफिकल मेथड। कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट द मेथड्स विच डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। आपको हर एक मेथड को इंडिपेंडेंट हेडिंग समझकर, इंडिपेंडेंट टॉपिक समझकर ही पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे पता चलता है? तो ये कहता है कि अगर इफ यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, if we plot graph between concentration of reactant and time, we can predict order of a reaction। चलिए देखते हैं पता लगा पाते हैं या नहीं। example के लिए बड़ा आसान वाला method है ये, तो बच्चे ध्यान से देखना। ये कहता है कि अगर यहां time mention करें या कंसंट्रेशन मेंशन करें, तो कैसे पता लगेगा कि कौन से का क्या ग्राफ है? तो आप थोड़ा ध्यान से समझना,
अगर कंसंट्रेशन ऐसे और टाइम ऐसे लिखाओ तब तो बड़ा मुश्किल है बच्चे पता लगाना। ठीक है, आप उसके लिए काम करिए, ग्राफ मिटाइए और ऐसे कहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम मतलब रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, आर गिव्स अस पी। देखते हैं किसको याद है ये सारा सिस्टम। अगर मैं यहां टाइम लूं यानी टी और यहां लूं कंसंट्रेशन आर का, ग्राफ बने ऐसे, ग्राफ बने ऐसे, तो मुझे बताइए ये कौन सा ऑर्डर है, बताइए, डिटरमाइन इट्स ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताइए, तो आंसर क्या होगा बच्चे? आप कहोगे सर जीरो ऑर्डर। बताओ मुझे कैसे पता चला ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है? क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में ग्राफ बनवाए थे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है आर और टी के बीच में, तो ये पॉइंट किसको मेंशन करता है, ये स्लोप किसको बताता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में तो यही पूछ ले, सेकंड पार्ट में पूछ ले व्हाट स्लोप रिप्रेजेंट्स हियर, तो आप फर्स्ट पार्ट में जीरो ऑर्डर लिखेंगे, सेकंड पार्ट में लिखेंगे स्लोप यहां पर माइनस के बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। ये ग्राफ देखो, ग्राफ देखो बच्चे ऐसे भी हो सकता है, देखते हैं कि इसको समझ में आएगा ये कि बच्चे यहां तो टाइम हो टी और यहां लिखा हो कि वन बाय करके नहीं, पहले ऐसे देते हैं लॉग आर लिखाओ और ग्राफ बन रहा हो ऐसे, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सेम है लेकिन यहां कंसंट्रेशन आर है, वहां कंसंट्रेशन लॉग आर है। अब ये कौन सा ऑर्डर है? जैसे आप पूछ ले फर्स्ट पार्ट में प्रिडिक्ट इट्स ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर बताएंगे। सेकंड ऑर्डर के साथ साथ आप स्लोप भी बताएंगे, व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट्स। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो लॉग आर और टाइम के बीच में मैंने ग्राफ बनाया था, तो क्या था वो, कौन सा ऑर्डर था? आंसर, इसका आंसर दे रहा हूं बच्चे, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि आपको याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का जब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा था तो उसमें हमने लॉग आर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया था, हमारा ग्राफ डिसेंडिंग बना था, नीचे गिरता हुआ बना था, और यहां पर जो स्लोप है उसका वैल्यू था माइनस के बाय 2.303। आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और जो इंटरसेप्ट है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आओ एक बार, अगर यहाँ इंटरसेप्ट पूछा आप जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में, ये आर जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन लॉग आर जीरो को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ग्राफ अच्छे से समझे हैं और उनको याद किया है। तो देख रहे हो, देखो ग्राफ तो सेम दिख रहा है, बस यहाँ आर और टाइम के बीच में ग्राफ है या लॉग आर और टाइम के बीच में ग्राफ है, और ये जीरो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। स्लोप मेरे को याद है क्योंकि मैंने वो इक्वेशंस दिमाग में बिठाकर वो ग्राफ याद किया हुआ था, आप सबने वैसे किया होगा तो आपको स्लोप याद आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? देख रहे हो कैसे ग्राफ देख कर हम बता पा रहे हैं कि ऑर्डर क्या है। चलिए ग्राफ और पढ़ते हैं बच्चे, ये आ गए, यहां टाइम हो मतलब टी और यहां पर हो बच्चे वन बाय आर, और ग्राफ ऐसे बना हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है प्रिडिक्ट इट्स ऑर्डर, सेकंड पार्ट में बोलता है इसका स्लोप क्या बताता है। तो आप बताइए आंसर में क्या लिखेंगे,
ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, ये वो ऑर्डर है जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। कुछ बच्चों का डाउट शायद, मैंने इनको बताया था ये ग्राफ किसको बताता है, ये ग्राफ बच्चे किसको बताता है, ये सेकंड ऑर्डर को बताता है। जिसने सेकंड ऑर्डर डिराइव किया था उसने ग्राफ भी प्लॉट किया होगा, मैंने ग्राफ के लिए भी बोला था। और आपको देखेगा ग्राफ इस बार असेंडिंग बनेगा बिकॉज स्लोप उसका पॉजिटिव आ रहा होगा। और जीरो से नहीं उठाना होता है, वाई इंटरसेप्ट है ये, वाई के कुछ ना कुछ वैल्यू से उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वाई की भी कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट यानी c की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। आपने ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके बनाया था। सो जस्ट फर्स्ट गो टू इंटीग्रेटेड डेटा एक्सप्रेशंस ग्राफ्स, देन कम टू दिस वीडियो लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला हिस्सा। तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ग्राफ आप याद कर लें, तो ये सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और इसका स्लोप जो है वो k बताता है, पॉजिटिव, राइट बच्चे। तो इस तरीके से आप ग्राफ से बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा। चले तो हम आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ओके, अब ये तीन ग्राफ मैंने आपको सामने बनाए और आपने तीनों ग्राफ को देखकर बताया सर ये तो ग्राफ जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। लेट मी आस्क यू दिस ग्राफ, ये आ गए सिंपल वाले ग्राफ्स। यहां पर लिखा हुआ है बच्चे कंसेंट्रेशन, ऐसे करके, और यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट, एक ही बात है, ठीक है। और ग्राफ बना है ऐसे, ग्राफ बना है ऐसे, तो ये पता है कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। बताओ मुझे कैसे पता चला, क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर में आप सब जानते हैं, इन जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो, यानी रेट के पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो ये तो ऐसे ही बनेगा। सेकंड, मान लीजिए ऐसे हो, यहां रेट हो यहां कंसंट्रेशन हो और ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन कभी कब बनती है बच्चे, डायगोनली जो स्ट्रेट लाइन बनती है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो। मतलब यहां पर जो रेट है आर की पावर वन पे डिपेंड है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर को। इसी तरीके से मुझे बताओ ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर लिखा हो आर का स्केयर और यहां लिखा हो रेट, ग्राफ ऐसे बनता हो। तो सर रेट आर स्केयर के प्रोपोर्शनल है, पावर टू है, तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये कैसा ऑर्डर है बच्चे, सेकंड ऑर्डर है, कर लेंगे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ देखकर पता लगता है कि वो जीरो ऑर्डर है, कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, कि वो सेकंड ऑर्डर है। तो आई होप सबको क्लियर हुआ, ये वाले तीन ग्राफ तो बिल्कुल आसान थे, वो वाले आपको तब आएंगे जब आपने इंटीग्रेटेड डेटा एक्सप्रेशंस के ग्राफ अच्छे से समझे होंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ग्राफिकल मेथड में। ये देखो ये JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड पे, ध्यान से देखना, यहां टाइम लिखा हुआ है, यहां रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, मतलब रिएक्शन रेट, ग्राफ बना हुआ है ऐसे। ये कहता है प्रिडिक्ट्स इस ऑर्डर, प्रिडिक्ट इट्स ऑर्डर, बताइए। देखिए बच्चों, बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता रहे, रिएक्शन रेट फिर भी वही है, तो वो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसमें फॉल भी हो सकता है, ठीक है, और फिर अगेन वो कॉन्स्टेंट है, तो अंडरस्टूड है इसका जो आंसर है वो जीरो ऑर्डर है। अगर ये सिर्फ इतना भी होता, जहां तक मेरा हाथ है, सिर्फ ये होता तो भी जीरो ऑर्डर है,
और ग्रेजुअली फॉल करके फिर कॉन्स्टेंट है, फिर ये जीरो ऑर्डर है, एक ही बात है। तो जीरो ऑर्डर इसका आंसर आएगा। आई होप सबको क्लियर है जे डबल ई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन कि भैया ये कौन सा ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप इसका आंसर लिखेंगे जीरो ऑर्डर, एज रेट इज कॉन्स्टेंट विद टाइम, रेट इज नॉट चेंजिंग एंड इट हैपन्स ओनली इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं तो हमने तो पढ़ा ही है टाइम के साथ साथ रेट बदलता ही रहता होगा, बस एक ही रिएक्शन है जहां पर रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है और वो है जीरो ऑर्डर। तो टाइम बीतता रहे रिएक्शन की रेट लगभग कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आई होप सबको क्लियर है ग्राफिकल मैथड। इतना टाइम इस पर लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन ग्राफिकल मैथड में मैंने इसलिए लगाया है कि आपको ग्राफ जो ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आए और आप क्वेश्चंस को कर पाए। राइट बच्चे, तो चलिए आप बढ़ते हैं मैथड नंबर टू की तरफ। मैथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ, नंबर टू। नंबर टू है थ्रू, ये तो हम बाद में ही करेंगे, लास्ट में करेंगे, हम करते हैं पहले ये वाला मेथड, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, बच्चे ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ये मेथड नंबर टू है टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दो हैं या दो से ज्यादा है, तो ग्राफिकल मेथड वहां सूटेबल नहीं है। आपने देखा भी होगा ग्राफ में, जो ग्राफ मैंने आपको बनाए हैं अभी, उन ग्राफ में एक ही रिएक्टेंट कंसिडर किया है बच्चे। ग्राफिकल मेथड आपको लिखना है, प्लीज लिख लीजिए, ग्राफिकल मेथड इज नॉट यूजफुल और नॉट सिग्निफिकेंट वेयर रिएक्टेंट्स आर टू और मोर देन टू। ग्राफिकल मेथड हैज सिग्निफिकेंस इन दोज रिएक्शंस विच हैव सिंगल रिएक्टेंट ओनली। इफ रिएक्टेंट्स आर टू और मोर देन टू, ग्राफिकल मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड देयर टू प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन। राइट बच्चे, सो वी हैव डिफरेंट मैथड्स नाउ बिकॉज रिएक्टेंट्स मे हैव टू और मोर रिएक्टेंट्स, देन ग्राफिकल मैथड इज नॉट सुटेबल देयर, सो वी शुड हैव अदर मैथड्स एंड वी हैव अदर मैथड्स लाइक वी हैव ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मैथड। नाउ वट हैपन्स इन दिस मैथड, वट ओस्टवाल्ड स्टेट्स, बच्चे ये कहता है कि मान लीजिए आपके रिएक्शन में तीन या चार या पाँच या दो, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो आप किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो पहले। मान लीजिए सपोज करिए रिएक्शन इज हैविंग ए बी सी एज थ्री रिएक्टेंट्स गिविंग अस प्रोडक्ट्स, सो वी हैव टू फाइंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। राइट, ओवरऑल ऑर्डर पावर्स का सम होता है कि ए की पावर कितनी होगी, बी की पावर कितनी होगी, सी की पावर कितनी होगी, उन सबको सम कर देंगे ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा ही होता है। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये कहता है कि बी और सी को एक्सेस में ले लो, बी और सी को एक्सेस में ले लो, तो उनमें जो चेंज दिखाई देगा ना ए के मुकाबले, वो ना के बराबर दिखाई देगा। जब ना के बराबर दिखाई देगा तब हमारा जो रेट आएगा वो ए के रिस्पेक्ट में आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, आपको बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तब ए और सी को एक्सेस में ले लो। ए और सी को एक्सेस में लेने से क्या होगा, ए और सी को एक्सेस में लेने से ये होगा कि वो उनमें जो चेंज आएगा वो बी के मुकाबले ना के बराबर होगा। इसका मतलब जो रिएक्शन का रेट होगा वो बी के टर्म्स में निकलेगा। अब आप सी के टर्म्स में निकाल लो, तो आप ए और बी को एक्सेस में ले लो। ए और बी को एक्सेस में लेने से क्या होगा कि जो सी की कंसेंट्रेशन है वो चेंज होगी और ए और बी की ना के बराबर चेंज होगी क्योंकि वो एक्सेस में लिया गया है। तो इस तरीके से हम रेट ए के टर्म्स में भी निकाल लेंगे, बी की टर्म्स में भी निकाल लेंगे, सी की टर्म्स में भी निकाल लेंगे और फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास ए बी सी इकट्ठा कंसिडर हो जाएगा और हम उनकी पावर को जोड़कर ऑर्डर निकाल देंगे। देखिए मैं कैसे बताता हूं, ये कहता है इन दिस मेथड डिटरमाइन, ध्यान देना बच्चे, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट बाय टेकिंग
अदर रिएक्टेंट्स इन एक्सेस, राइट बच्चे, रिपीट इट फॉर अदर रिएक्टेंट्स ऑल्सो। बच्चों को तो लैंग्वेज समझ में आ गई। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो आप पहले एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लो, बाकी रिएक्टेंट्स को एक्सेस में ले लो। यही काम बाकी अदर रिएक्टेंट्स के लिए भी करो और आपके पास ओवरऑल ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास ए है, बी है और सी है। ए टू है, बी थ्री है और सी टू है, ठीक है, और हमें दे रहा है ये प्रोडक्ट, राइट बच्चे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टेक बी एंड सी इन एक्सेस, तो जो रेट आया वो ए के ही प्रोपोर्शनल रहेगा, बस बी और सी तो अब कंसिडर होंगे नहीं क्योंकि वो एक्सेस में, तो ए की ओर से आ गई पी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करो, अब ए और बी को एक्सेस में ले लो, तो उससे क्या होगा, अब रेट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, ना ए पे करेगा ना बी पर करेगा, वो क्योंकि वो एक्सेस में, सी पे करेगा, मान लीजिए सी की पावर आर है। उसी तरीके से आपको बी या सॉरी ए और सी को एक्सेस में ले लेना चाहिए, ए एंड सी इन एक्सेस, उससे जो आपका रेट निकल कर आएगा वो बी की पावर मान लीजिए क्यू हो। अब मैं अगर तीनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग वन टू एंड थ्री, वी गेट रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, देयरफॉर ऑर्डर वुड बी पी प्लस Q प्लस आर। अगर आप तीनों इकट्ठा कर नहीं सकते हो तो आप एक एक के रिस्पेक्ट में निकाल लो और बाद में कंबाइन कर दो, इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे, ये एग्जांपल क्लियर हुआ। चलिए देखते रहिए और बताता हूँ आपको मैं, ध्यान से देखिएगा, हो गया बच्चे। चलिए देखें, ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखना। मेरे पास बच्चे ये रिएक्शन है, एक पता नहीं कितने बच्चे इसको जानते हैं, ये बच्चे एस्टर है और एस्टर का मैंने किया हाइड्रोलाइसिस और मेरे पास बनकर आया एक एथेनॉल, 10th क्लास की रिएक्शन है ये, और एक एथेनोइक एसिड। हमें इससे मतलब भी नहीं है प्रोडक्ट्स क्या बने, हमने तो रिएक्टेंट्स देखना था। तो यहां पर बच्चे रेट निकाला हुआ है, एक तो ये हमें गिवन है बच्चे, ये ठीक है, ये गिवन है। तो अगर मैं ये कहूं, ध्यान देना बच्चे, अगर मैं कहूं H2O को एक्सेस में ले लो, H2O को एक्सेस में ले लो, देन तो मेरा सवाल है आपसे, तो क्या आप रेट एक्सप्रेशन में वाटर दिखाई देगा? अगर वाटर को एक्सेस में ले लोगे तो रेट वाटर पे डिपेंड ना होकर सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर हुआ? अगर मैं पानी को एक्सेस में ले लूंगा तो पानी का रोल तो रहेगा ही नहीं, फिर
तो ये पानी लगभग कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट नया कांस्टेंट बन जाएगा। मैंने लिख भी दिया k डैश की वैल्यू क्या है। तो दो कांस्टेंट्स को एक साथ नहीं दिखा सकते, तो आप एक कांस्टेंट को ही दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा पानी कांस्टेंट है, नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आप पानी को एक्सेस में ले लो तो पानी इस एस्टर के कंपैरिजन ना के बराबर काम करेगा, और रेट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट में जब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी, तो आप इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट लिख लो। और अब मुझे बताओ, पहले तो ये रिएक्शन थी सेकेंड ऑर्डर की, पानी को एक्सेस में लेने से बन गई फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब ये रिएक्शन थी सेकेंड ऑर्डर। Now, this reaction has become first order. यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस method का इस्तेमाल करके हम order तो बता ही सकते हैं हर एक reactant के respect में निकाल कर। Order को हम, जो हमें order दिया उस order को हम change भी कर सकते हैं इसी method को लगाकर। जैसे देखें, इसमें दो reactant थे, मान लीजिए यहां power 2 होता, यहां पावर 1 होता, ये थर्ड ऑर्डर होता। तो पानी को अगर मैं एक्सेस में ले लेता तो ऑर्डर क्या बच जाता, बचे 2। ऑर्डर क्या बच जाता, 2। मान लीजिए मैं एस्टर को एक्सेस में ले लेता तो पानी पानी बच जाता सिर्फ। तो आप जिसको भी एक्सेस में लेंगे वो रेट एक्सप्रेशन में दिखाई नहीं देगा। तो देखें आप कैसे मैंने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में तब्दील कर दिया। थर्ड ऑर्डर को आप सेकेंड ऑर्डर कैसे बना सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर कैसे बना सकते हो, शायद आपको हिंट मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ऑर्डर होता है बच्चे पावर्स का सम। अगर मैंने वाटर वाली चीज गायब करके तुम्हें दिखा दी तो यहाँ तो एक ही ब्रैकेट रह गया, एक ही कंसंट्रेशन टर्म रह गई और उसकी पावर 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया। तो रिएक्शन ओरिजिनली तो सेकंड ऑर्डर की थी, मैंने उसको बना दिया फर्स्ट ऑर्डर। इसको सूडो ऑर्डर रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस या सूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। आपको याद भी होगा इसका नाम हमने किया था। तो ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड में ही आप एक डेफिनेशन पढ़ लें, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। मार्क कर लेना बच्चे, आप बिल्कुल मार्क कर लेना। आप कहना फ्रॉम एग्जाम्पल 2 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एग्जाम्पल 2 इट इज क्लियर दैट, ये बिल्कुल क्लियर है। A higher order reaction can become lower order by taking reactant in excess. एक higher order reaction को लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो। क्लियर हुआ? सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। सूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। तो बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, सच रिएक्शंस, डेफिनेशन तो बता चुका हूं दोबारा लिख रहा हूं, सच रिएक्शंस विच आर ऑफ हायर ऑर्डर, जो होती तो हायर ऑर्डर की हैं, विच आर ऑफ हायर ऑर्डर। But converted into lower order. But converted into lower order. That is called pseudo order reactions. Pseudo order reactions. I hope everything is clear to you. Now. तो सब बच्चों को ओस्टवाल्ड्स
आइसोलेशन मेथड समझ में आ गया और उसकी हेल्प से हमने एक डेफिनेशन और कर ली, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वो टू वाला क्या था, कुछ इस तरीके का था कि हमने एस्टर लिया हुआ है, उसमें डाला पानी और ये बन गया एक एथेनोइक एसिड बन गया और एक एथेनॉल बन गया। प्रोडक्ट से हमें मतलब है भी नहीं, हमें तो रिएक्टेंट से देखना है। तो आप कहोगे इट वॉज रेट इज इक्वल टू के CH3CO CH2CH3 एंड H2O means सेकेंड ऑर्डर। कैसा ऑर्डर बच्चे? सेकेंड ऑर्डर। तो आपने कहा कि इफ H2O इज टेकन इन एक्सेस, अगर पानी को एक्सेस में ले लिया जाए तो देन रेट इज इक्वल टू मैं तुम्हें बता चुका हूं K डैश किसके बराबर है, K इनटू वाटर, क्योंकि वाटर हो चुका कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट K डैश कर लो। ये कैसा बन गया? फर्स्ट ऑर्डर। सो ध्यान देना बच्चे, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बात समझनी जरूरी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए कोई फोर्थ ऑर्डर किया तो सूडो फोर्थ ऑर्डर निकलेगी। आपने उसको कौन से ऑर्डर में कन्वर्ट किया? आपने सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट किया है तो सूडो सेकंड ऑर्डर। अगर फोर्थ ऑर्डर को आपने थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, सूडो थर्ड ऑर्डर। अगर फर्स्ट में कन्वर्ट किया है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। जीरो में कन्वर्ट किया है, सूडो जीरो ऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना है जिस ऑर्डर में आपने अब कन्वर्ट किया है उसी नाम से वो जाना जाएगा। जैसे ये रिएक्शन जानी जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से। कैसे मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर तक ले आया? आई थिंक सबको क्लियर है, राइट बच्चे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना, पेपर में ऐसे तो पूछेगा नहीं व्हाट इज ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाई ऑर्डर रिएक्शन को लो ऑर्डर बनाया जा सकता है अगर किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो रेट एक्सप्रेशन में वो दिखाई नहीं देगा, इससे वो हाई ऑर्डर रिएक्शन लो ऑर्डर की बन जाएगी। अब कौन से ऑर्डर को कौन से ऑर्डर में कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करता है किस रिएक्टेंट को आप एक्सेस में लेना चाहते हो। तो आई होप सबको क्लियर हुआ, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। जो थर्ड है वो है बच्चे इंटीग्रेटेड रेट मेथड। अब इंटीग्रेटेड रेट मेथड तो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी अपॉन दैट टाइम। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर जीरो बाय आर। ओके बच्चे, फॉर सेकेंड ऑर्डर याद होगा आपको क्या आया, K इज इक्वल टू 1/R माइनस 1/R0 इंटू में टी यानी 1/T। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है। आप इसको नोट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंटीग्रेटेड रेट मेथड लगाकर आप ऑर्डर बता सकते हो। हालांकि आप क्वेश्चंस कर चुके हो, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे वह चलता है डाटा को देखकर कि वो कौन से ऑर्डर का होना चाहिए। चलिए नोट करिए, देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट करता है कि आप कैसे पता लगाएंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से कि आपका ये कौन से ऑर्डर का है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन चल रहा है। अभी आपको डाटा दिया हुआ है बच्चे, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है और आपसे बोला हुआ है शो करिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है और ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है? आपको समझाऊंगा मैं कैसे।
रिएक्शन करवाई है H2O2 और KMnO4 के बीच में, यानी हमें जो डाटा दिया हुआ है वो KMnO4 का दिया हुआ है। दो ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, या तो डाटा आपको रिएक्टेंट का देगा या प्रोडक्ट का देगा। 99.9% है वो आपको रिएक्टेंट का ही डाटा देगा, प्रोडक्ट का डाटा देगा तो कैसे दिया जाएगा वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये रिएक्टेंट का ही डाटा है। ऑल्सो कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट। तो मुझे बताइए, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाऊंगा और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से मैं रेट कॉन्स्टेंट निकालूंगा। अगर हर केस में रेट कॉन्स्टेंट मेरा वही आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, अप्लाई k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट ऑफ रिएक्टेंट। अभी मैं कर रहा हूं 10 मिनट के लिए। जीरो से 10 मिनट पे देखते हैं k की वैल्यू क्या हुई। तो k की वैल्यू हमें निकालनी है 2.303, टाइम के लिए बच्चे 10 मिनट, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज 22.8 अपॉन 13.8, क्योंकि 0 मिनट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इज 22.8 और अब वाली कंसंट्रेशन यानी 10 मिनट तक देख रहे हो आप तो 13.8। तो इसको आप सोल्व करेंगे। लॉग 22.8 और 13.8 को सोल्व करने का दो तरीका है, इसका अलग से लोग निकालिए, इसका अलग से लोग निकालिए, माइनस कर दीजिए, आपको पता है क्यों, या इन दोनों को आप डिवाइड करके सोल्व कर लो, उसका लॉगरिथम ले लो। ठीक है, तो 2.303 बाय 10 दिस, इसका आंसर आना चाहिए बच्चे 0.05 मिनट इनवर्स, ये इसका आंसर होना चाहिए। चलते हैं, अब लगाते हैं ये इसके लिए। नाउ 4, अब 0 से 10 मिनट तो चेक कर लिया, अब 0 से 20 मिनट भी चेक कर लेते हैं। फॉर 0 टू 20 मिनट्स, अगर इस केस में भी k की वैल्यू यही आई तब ये फर्स्ट ऑर्डर ही है फॉर श्योर, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में लगाने से आपका k का वैल्यू सेम आ रहा है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही है, प्रूव हो जाएगा। देखिए, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट। 2.303, नाउ टाइम इज 20 मिनट्स, लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन इज 22.8, अब वाली कंसंट्रेशन बच्चा 8.3, इसको सोल्व करिएगा आंसर 0.05 ही आएगा मिनट इनवर्स। एज आप फिर आप लिख देंगे एज वैल्यू ऑफ के रिमेन्स कॉन्स्टेंट, के का वैल्यू सेम आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब कुछ ज्ञानी बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर के की वैल्यू तो सेम आने का मतलब कैसे पता चला आपको फर्स्ट ऑर्डर है? बच्चे मैंने फॉर्मूला किसका लगाया है? फर्स्ट ऑर्डर का, और उस फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से के का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम, तो फर्स्ट ऑर्डर ही तो होगा। अगर सेकंड ऑर्डर का लगाकर के का वैल्यू सेम आता तो सेकंड ऑर्डर होता, लेकिन उसने बोला था प्रूव करो ये फर्स्ट ऑर्डर है, कर लेंगे कि नहीं? इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपको करना है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, याद है ना, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। अब ऑल्सो कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, तो रेट कॉन्स्टेंट निकला ही पड़ा है 0.05। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट ही तो आ रहा है के का वैल्यू, यहां पे देख लो चाहे यहां पे देख लो सेम ही आ रहा है 0.05 मिनट इनवर्स। ये तो बच्चे ये वो क्वेश्चन है जिसमें रिएक्टेंट का डाटा दिया जाता है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें प्रोडक्ट का डाटा दिया जाता है, वो क्वेश्चन कैसा दिखता है, उसमें भी प्रूव करना होता है, बताइए ये इस ऑर्डर का है इस ऑर्डर का है, तो उस क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं, प्लीज एक बार इसको नोट करें। चलिए बच्चे, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार पोज करें और पोज करने के बाद खुद ट्राई करें, तो आपको लगे क्वेश्चन अलग है, बहुत अलग है। भैया मैं बार बार बोल चुका हूं, न्यूमेरिकल्स नहीं तो कुछ नहीं, एटलीस्ट मैं जितने न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवाता हूं उतने ही कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशियंट होते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन है, और आप इस चीज का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन करवाने के बाद
मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा। इस लेक्चर ख़त्म करने के बाद ये भी आपको जानकारी दे दूं कि ये अभी जो लेक्चर जिस तरह से मैंने शुरू किया था उसमें मेथड जितने भी हैं अभी ख़त्म नहीं हुए, और भी मेथड्स आने हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितना काम हो चुका है उसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि अब केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट कुछ और ही शुरू होगा बच्चे, ठीक है। जो कुछ बच्चे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, अभी एक दो वीडियोस पीछे चल रहे हैं, फटाक से जल्दी जल्दी समझ कर आगे आइए बच्चे, ताकि हम साथ साथ काम कर सकें, राइट। और एक्सरसाइज, आज आपके पास एक एक्सरसाइज आएगी जो इसके बेसिस पर होगा बच्चे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, मुझे लिखने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, मैं लिख कर आपके पास भेजूँगा, ठीक है बच्चे। और वो क्वेश्चन अच्छे से आपको देखना है, समझना है, और नोटबुक्स में उसी तरीके से प्रॉपर वे में लिखना है जिस तरह से लिखते आए हो। चलें क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन बिल्कुल अलग इसलिए है बिकॉज जो डाटा दिया हुआ था उसमें नाइट्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, और आप देख पा रहे हो इस बार डाटा आपको रिएक्टेंट का नहीं प्रोडक्ट का दिया हुआ है, ओ टू इवोल्ड, यानी प्रोडक्ट का डाटा है। और ध्यान रखना, प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है तभी समय इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ये चीज? टाइम है वो कहां तक दिया हुआ है बच्चे? इन्फिनिटी तक। और आपको प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है। आप जानते हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, आप समझ लो बच्चे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। नाउ अगर प्रोडक्ट दिया हो तो कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग इनफाइनाइट टाइम पर प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। क्लियर हुआ? न्यूमरेटर में फर्क है बस, न्यूमरेटर में जीरो समय पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो रखते हैं, और अगर प्रोडक्ट की टर्म्स में करना चाहते हो तो इनफाइनाइट टर्म्स में। ये प्रेशर नहीं है यहाँ, अब प्रोडक्ट है, मैं कोई बता दूँ तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन किसी टाइम टी पर जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? सेम है, बस एक रिएक्टेंट की टर्म्स में है और एक प्रोडक्ट की टर्म्स में है। क्योंकि सर यहाँ आपको प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है, देखो बच्चे ऑक्सीजन बन रहा है तो प्रोडक्ट का डाटा है ये, क्योंकि रिएक्टेंट तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड था। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का डाटा देता तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगाता, अब आपको प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबको क्लियर तो हुआ आगे नीचे वाला फॉर्मूला सर लगाने वाले हैं, ठीक है, मिटा दूं, दोबारा से लिख देता हूं। K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग प्रोडक्ट इन फाइनाइट टाइम पे जो कंसंट्रेशन है अपॉन प्रोडक्ट एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब ये शो करना है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर का मैंने रिएक्शन लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, और के का वैल्यू अगर हर केस में सेम आया तो हो जाएगा साबित फर्स्ट ऑर्डर का है। देखिए एक बार निकालते हैं 300 सेकंड के लिए, ध्यान देखिए बच्चे, फॉर 300 सेकंड्स के इज इक्वल टू 2.303 बाय 300, क्लियर, टाइम की जगह लॉग इनफाइनाइट कंसंट्रेशन जो प्रेशर की कंसंट्रेशन है 34.75। आपको वॉल्यूम दे कंसंट्रेशन दे वो एक ही बात है यहाँ, ठीक है बच्चे। यूनिट ml हो चाहे लीटर हो, क्योंकि वो सेम यूनिट होते, कटती है आपस में, कोई दिक्कत नहीं होता। अपॉन प्रेशर एट एनी टाइम t, तो 300 वाला आपने टाइम लिया है, टाइम आपने 300 सेकंड्स लिया है, तो 300 सेकंड तक कितना प्रोडक्ट बन गया है 3.42। इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका करीब करीब 3.3 10^-4 आएगा सेकंड इनवर्स। देखते हैं 600 सेकंड में के की वैल्यू क्या आती है। अब देखो 4600 सेकंड्स के इज इक्वल टू 2.303, अब टाइम की जगह बच्चे 600 लॉगरिथम इनफाइनाइट टाइम पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 34.75 अपॉन 600 सेकंड तक कितना प्रोडक्ट बन चुका था 6.30। बाय सॉल्विंग इट वी वुड हैव 3.3 10^-4 सेकंड इनवर्स।
तो आपने 300 सेकंड का निकाल लिया, आपने 600 सेकंड का निकाल लिया, नोट कर लो एक बार, या मैं नीचे लिख देता हूं। अब 900 सेकंड्स का निकाल लो, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t की जगह 900, लॉगरिथम इन फाइनाइट टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 34.75, और 900 तक कितनी बन गई है, 900 तक 8.95। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आंसर 3.3 × 10⁻⁴ sec⁻¹, क्योंकि k की वैल्यू सेम है, हेंस इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, हेंस इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और k का वैल्यू आप निकाल चुके हो, तीनों में सेम आ रही है, तो सेकंड पार्ट में आंसर चिपका देना 3.3 × 10⁻⁴। तो आई होप आपको प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे आप, प्रोडक्ट वाले में इनफाइनाइट दिया होगा, ठीक है। रिएक्टेंट वाले में 0 सेकंड्स वाला आप कंसिडर करते हो, प्रोडक्ट वाले में आप इनफाइनाइट वाला कंसिडर करते हो, देखो बस न्यूमरेटर में डिफरेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज मैं इतना ही करवा सकता हूँ आपको, और कल हम मिलेंगे इस लेक्चर के आगे वाले कंटेंट के साथ, जहाँ मैं आपको करवाऊंगा अदर मेथड्स। अभी कौन कौन सा रह गया है मुझे एक बार बताने दो आपको। हम कर चुके बच्चे पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के बाद हम कर चुके ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, जिसमें आपने सूडो ऑर्डर रिएक्शन सीखा। थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा कंसेप्चुअली सिखाया मैंने आपको ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। उसके बाद हमने किया थ्रू इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर वही आएगा साबित किया जाता है k का वैल्यू निकालकर, ठीक है। आज आपके पास एक्सरसाइज पहुंचेगी, फिर हम कल करेंगे एक इनिशियल रेट मेथड और हाफ लाइफ मेथड, और उसके बाद हम इस टॉपिक से बाहर आ जाएंगे और बढ़ेंगे चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट की तरफ। थैंक यू।